हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सोल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, ठीक है, ये डाटा गिवन है, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स है और मार्क इन स्टैटिक्स का है, ठीक है। आई कह रहा हूँ फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, यानी कि रिग्रेशन के जो दो इक्वेशन बनते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा हूँ। आई कह रहा हूँ फाइंड द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, यानी कि जो मार्क्स हैं इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स का उनके बीच में कोरिलेशन क्या है, और द मोस्टली लाइकली मार्क्स इन स्टैटिक्स वेन द मार्क इन इन इकोनॉमिक्स इज, यानी कि आपको इनकी जो मोस्टली लाइकली मार्क्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पता है और आपको स्टडीज का फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन, ठीक है। तीन चीजें पूछ रहा है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, कोरिलेशन निकालना है इकोनॉमिक्स एंड स्टडीज के बीच में, और मार्क बताना है स्टडीज का। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है, जो हमारा ये टेबल बनेगा, ठीक है, ऐसा एक टेबल बनेगा, इसमें इसका जो सोल्यूशन होगा, यानी कि ये इसको एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स बार क्या मीन है, तो यहाँ पे मीन पहले हम निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, यानी कि नंबर ऑफ वो कितने हैं, कितने नंबर हैं, ठीक है, यानी जब आप इन्हें काउंट करोगे 1 2 3 तो ऐसे 10 आएंगे, ठीक है, इसको काउंट करने पे, तो ये 10 हो जाएंगे और इसका समेशन हम ले लेंगे, तो ये समेशन क्या हो जाएगा, ये इसका समेशन क्या हो 320 आ जाएगा, तो 320 by 10 यानी कि 32 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार यानी कि 25 माइनस 32 करेंगे तो 7 आएगा। सेम क्या करेंगे, ऐसे सबको माइनस करते हुए जाएंगे, ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, y बार निकालेंगे, y बार को सेम ऐसे करेंगे, इसको मार्क को स्टेटिक्स मार्क जो है उसको y मान लेंगे, तो ये वैल्यू 38 आ जाएगी। इसको भी सेम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे y माइनस y बार, तो इसको भी निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसी एक्स स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, और इन दोनों का यानी कि जो यहाँ पर एक्स वाई है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ये वैल्यू, और इनका क्या कर लेंगे, समेशन फाइंड आउट कर लेंगे, उसी वक्त समेशन निकाल लेंगे। जब समेशन आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ये बी एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है, यानी कि कोफिशियंट निकालेंगे, तो जो बी एक्स वाई होगा वो समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू ये आएगी। आगे इसको बताऊंगा कहाँ पे यूज होगा ये, ठीक है। तो आपके पास क्या होगी, ये वैल्यू ये भी निकाल लेंगे हम, एक एक्स वाई है और एक क्या बी वाई एक्स, एक बी एक्स वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब पहला जो क्वेश्चन था, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, ये क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई और ब्रेकेट में वाई माइनस वाई बार, तो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू पता चल गई थी और ये हमने तो बिल्कुल फाइंड आउट किया ना पीछे, तो ये निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो आपके पास जो इक्वेशन पूछा था वो इक्वेशन आ जाएगा। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स पे, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वाई वाले टर्म आ जाएंगे सारे, ये दोनों क्या होगा, इक्वेशन आपके पास आ जाएगा जो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा था। सेकंड में ये पूछ रखे थे कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि कोरिलेशन पूछा था, तो कोरिलेशन यानी कि आर इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में, ठीक है, रूट समेशन एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू जब पुट अप करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगा नेगेटिव में, ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट मतलब कोरिलेशन जो उन्होंने पूछा था सेकंड क्वेश्चन में, ये हो जाएगी वैल्यू। आई कह रहा टू एस्टिमेट द मार्क्स इन स्टैटिक्स वाई फॉर अ गिवन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन्होंने ये वैल्यू पूछ रखी थी आपसे कि मतलब मार्क क्या है स्टैटिक्स का और इकोनॉमिक्स उन्होंने गिवन कर रखा था, तो यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है गिवन, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस इक्वेशन में पुट अप कर दोगे, ठीक है, इस वाले में आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू जो ये मार्क्स होगा वो क्या होगा स्टैटिक्स का मार्क्स हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते हैं, जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि द हाइट है, ठीक है, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ फादर एंड सन्स आर गिवन बिलो, ठीक है, ये हाइट ऑफ फादर्स के हैं, ये सन के हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द लाइंस ऑफ रिग्रेशन एंड एस्टिमेट द हाइट ऑफ सन व्हेन द हाइट ऑफ द फादर इज 164 है, ठीक है, तो सेम यही काम जैसे मैंने उस क्वेश्चन में किया था, वही ग्राफ बनाओगे, सब कुछ वही होगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई बार निकाल लोगे, यहाँ पर जो बी एक्स वाई का फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे जो आप निकालोगे फॉर्मूला से, ठीक है, वो क्या होगा, एन कैपिटल एन यानी कि जो इसकी समेशन आया हुआ, ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, ठीक, अब यहाँ पर डी एक्स और डी वाई क्या है, यहाँ पे जैसे हमने निकाला डी एक्स डी वाई, ठीक,
तो वही चीज है, डीएक्स डीवाई हो जाएगा। फिर क्या है, समेशन डीएक्स डी माइनस का, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, अपॉन में एन और समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर और माइनस समेशन डी वाई का होल ऑफ स्क्वायर। यानी कि ये वैल्यू ये वाला है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू जीरो आई थी और जो ये वैल्यू आपके पास से हुई है, ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल लोगे तो बी एक्स वाई आ गया। सेम ऐसे आप रिग्रेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे एक्स ऑन वाई, ठीक है, सारी वैल्यू ऐसे सेम पुट अप करेंगे और फिर क्या करेंगे, अगेन बी वाई एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला पुट अप करेंगे। यहां से आपके पास बी वाई एक्स आ जाएगा तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास नहीं आ जाएगा। अब कह रहा है हाइट ऑफ द सन व्हेन द हाइट ऑफ द फादर इज 164 है, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 164। जब आप एक्स इक्वल टू 164 पुट अप करोगे सॉल्व करो तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हाइट ऑफ सन आ गया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऑब्टेन द टू रिग्रेशन लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एन की वैल्यू गिवन है, समेशन ऑफ एक्स है, समेशन ऑफ वाई है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है और समेशन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपके पास गिवन है पहले से। तो हम क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार, ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपके पास एक्स बार वाई बार आ जाएगा तो बी एक्स वाई निकाल लेंगे और बी वाई एक्स, ठीक है, यानी कि फॉर्मूले से पुट अप करके बी एक्स वाई और बी वाई एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपके पास ये आ जाएगा तो इसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, ये फाइंड आउट कर लेंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा एक्स वाला अगेन, यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है, यानी आपको दोनों इक्वेशन बताने थे, यहां पे पुट अप करेंगे ये आपके पास इक्वेशन आ जाएंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन ऑब्टेन इन अ कोरिलेशन एनालिसिस आर द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, कह रहा है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट एंड कोरिलेशन कोफिशियंट। आपके पास रिग्रेशन कोफिशियंट निकालना और कोरिलेशन कोफिशियंट निकालना है, ठीक है, यानी कि बी एक्स वाई निकालना है और बी वाई एक्स निकालना है और आपके पास आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों इक्वेशन है, ठीक है, इसको क्या करेंगे एक्स के फॉर्म में लेंगे तो इसका यही क्या होता है कोफिशियंट होता है इस इक्वेशन का, तो यहां से बी एक्स वाई कोफिशियंट ये हो जाएगा जो कि वैल्यू क्या नेगेटिव आ रही है। सेम यही वाला इक्वेशन करेंगे, ठीक है, यहां पर भी y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जब y की वैल्यू आप निकालोगे तो यहां पे 5 by 2 जो है, ठीक है, ये तो इधर हो जाएगा, ये जो है ये वैल्यू ये आपके पास y वाले इक्वेशन का कोएफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि byx की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस का 1 by 2। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ठीक है, तो बी वाई एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ रही, इसकी वैल्यू क्या रही लेस आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशियंट निकालना है, रिग्रेशन कोफिशियंट आर नेगेटिव एंड कोरिलेशन कोफिशियंट, ठीक है, तो जो कोरिलेशन कोफिशियंट होता है, ठीक है, जब ये दोनों निगेटिव होंगे तो आप जो फॉर्मुला अप्लाई करोगे आर इक्वल टू माइनस रूट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ठीक है, अदर अगर पॉजिटिव है तो इसका फॉर्मुला चेंज हो जाता है, ठीक है, तो यानी कि आप वैल्यू पुट अप करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, फॉर फाइव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्स वाई ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड समेशन एक्स वाई की वैल्यू के पास गिवेन है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन एंड द एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स और वाई की आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू गिवेन है। सारे डाटा आप लिख लोगे, ठीक है, आपसे लाइन पूछ रहे हैं तो आप वो निकाल लोगे, मीन निकाल लोगे, एक्स बार वाई बार, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लोगे दोनों, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा। जब आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगा, मतलब इक्वेशन पुट अप करेंगे एक्स वाले में तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास, यानी कि आपके पास इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। सेम ही काम नेक्स्ट वाले में करेंगे तो आपके पास ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि वाई वाला। अब आपके पास वैल्यू गिवन थी दोनों का एक्स और वाई की, ठीक है, ठीक है, एक्स की वैल्यू गिवन था तो यहां पर आ जाएगी वाई की वैल्यू निकालना था, यहां पर पुट अप करके आप एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, यहां पर एक्स और यहां से वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, थैंक यू।